हेलो एवरीवन कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे वेलकम बैक टू ऋषिका एंजल चैनल उत्तराखंड और मैं हूँ शीतल तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ईजी सा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो कि मैंने पॉन्स बीबी क्रीम के साथ किया है आई होप कि आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा होगा एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी जो पिछली वीडियो है उनको आप देख पाओ और जो मेरी आने वाली वीडियो है उनको भी आप देख पाओ और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो तो मैंने वेडिंग गेस्ट में बहुत सी मेकअप वीडियो बनाई है तो प्लीज़ उनको ज़रूर जाके देखें एक बार ज़रूर चेक करें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज टोनर जो कि मेरा फेवरेट वाला रोज टोनर है गाइस बहुत ही अच्छा रोज टोनर है देन मैं यूज़ कर रही हूँ वैसलिन का मॉइस्चराइजर इसको आप बॉडी लोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फ़ेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अपने फ़ेस को मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी बाम भी यूज़ कर रही हूँ वादी हर्बल का ऑरेंज लिप बाम प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ मालियो का बहुत ही अच्छा प्राइमर है लो बजट में बहुत ही अच्छा है और मैं आपको हमेशा गाइस अफोर्डेबल प्रोडक्ट बताती हूँ तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके एक बार चेक करें अब मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ले रही हूँ और उसे डॉट डॉट करके अपने फ़ेस में लगा लूँगी बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम है और फुल कवरेज देती है आपके फ़ेस को अच्छा खासा कवरेज दे देती है और अच्छे से ईज़िली ब्लेंड हो जाता है ये अब मैं इसे अच्छे से हाथों से ब्लेंड कर लूँगी आसानी से ब्लेंड हो जाएगा ये आप चाहो तो ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो और नेक ईयर एर का एरिया हमेशा कवर किया करें नहीं तो आपका नेक अलग अलग सा लगेगा कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग इस बैला का जो कि बहुत ही अच्छा कंसीलर है जिन्होंने ट्राई नहीं किया एक बार जरूर ट्राई करें और अपने अंडर आई एरिया में लगा लूँगी और आई लिड भी लगा लिया और थोड़े थोड़े जहाँ पर मुझे डाक दबे नज़र आ रहे थे वहाँ पर भी लगा लिया मैंने अब मैं से इस फाउंडेशन ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अब मैं हिलेरी रोदा का आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उससे मैंने ब्राउन कलर लिया डार्क ब्राउन ही कलर ले रही हूँ मैं और अच्छे से अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी जब तक कि मुझे अपने आई शेडो का जो कलर चाहिए वो कलर ना मिल जाए अच्छे से ब्लेंड करना है हमने अब मैं दूसरे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ आप आई शेडो को जितना अच्छे से ब्लेंड कर करोगे उतना ही आई शेडो का कलर उभर के आएगा अब मैंने औरेंज ही कलर लिया और अच्छे से अपने क्रीसवे से ब्लेंड कर लूँगी फिर मैंने गोल्डन कलर लिया और इस तरह से लगाना है हमने बहुत ही प्यारा लगता है ये आई मेकअप फिर मैंने उसी आई सैडो पैलेट से ब्राउन कलर लिया और अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूंगी आई लाइनर में एसक्यू का यूज कर रही हूँ आपको ज्यादा बड़ा विंग आईलाइनर बनाना पसंद ही है पतला आप अपने हिसाब से आईलाइनर लगा सकते हो अब मैं अच्छे से अपने अपर वाटर लाइन पे मस्कारा लगा लूंगी और लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगा लूंगी देन मैं काजल लगा रही हूँ एन बे का अब मैंने अपनी आईब्रो को कॉम कर लिया है फिर मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ मिस कैरल की आईब्रो पेंसिल से कॉम्पैक्ट पाउडर में यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का और जो मैंने बीबी -बी क्रीम लगाई है उसे मैं अच्छे से सेट से कर लूँगी कॉन्टोरिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एंड की फाउंडेशन कंसीलर स्टिक होता है जो अच्छे से अपने चीक्स की नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लूँगी ब्लश मैं लगा रही हूँ एस एफ आर का और ऐसे मुस्कुराते हुए लगाना है हमने लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ किस ब्यूटी का रेड कलर है ये और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसके परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चेक कर लेना हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का तो देख लीजिए आप कितना प्यारा हाइलाइटर है मुझे बहुत ही पसंद है अब मैं नोज़ पे भी हाईलाइट कर लूँगी क्यूपिड वो पे चिन पे फोर हेड पे थोड़ा थोड़ा अपने इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट कर लिया है अब मैंने मेकअप फिक्सर से अपना मेकअप सेट कर लिया है ये हुआ है फाइनल लुक आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल